हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आशीष कचोलिया जी। आशीष कचोलिया जी ये एक जाना माना नाम है इंडियन शेयर मार्केट में। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हैं, अनिल गोयल जी हैं, डॉली खन्ना जी हैं, उसी तरीके से आशीष कचोलिया जी जो कि छोटे छोटे शेयर्स को पहचानते हैं, तो उनका ये ज़बरदस्त शेयर है और करोड़ों की कमाई। तो चलिए भाई, आशीष कचोलिया जी ने भी करोड़ों कमाए होंगे, कंपनी तो कमा ही रही है, शेयर होल्डर हैं। चलिए बात करते हैं, कौन सा शेयर है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है और साथ में रिजल्ट आया है, उन सब पॉइंट्स पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, आशीष कचोलिया जी के पास इस कंपनी के 14,50,000 शेयर्स हैं, यानी कि 1.84%, जबरदस्त होल्डिंग। अब आप सोचेंगे कंपनी कौन सी भाई, ये भी बता दो। तो ये भी देख लीजिए, सबसे पहले काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो पॉलीकैब वायर सुना होगा ना आपने, तो उसी के सेगमेंट की कंपनी है काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका काम है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ पावर एंड अदर इंडस्ट्रियल केबल्स। आज की डेट 21 मई 2019, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 3200 करोड़ का है। स्मॉल कैप का शेयर मैं इसको कहूंगा। करंट प्राइस 409 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% और सेल्स ग्रोथ देखिए 19%। तो ये तीनों पैरामीटर जहां खड़े उतर जाते हैं तो मतलब कि शेयर आपका जबरदस्त है। और साथ में देखिए पी रेशो काफी बढ़िया, 18-19 रुपए पे 1 रुपए कमा के देता है, तो नो डाउट शेयर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूंगा इवन पीजी रेशियो भी अगर आप देखोगे वो भी बढ़िया है। डेट कितना है कंपनी पे, 500 करोड़ के आसपास का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग भी 45-46% है। चलिए रिजल्ट कैसा रहा वो बताएगा, अब कितना बढ़िया शेयर है। अगर पिछला प्रॉफिट देखो तो बढ़िया गया है नो डाउट, लेकिन अब का प्रॉफिट कैसा रहा वो। अब ये रिजल्ट जो है 8 बजे के आसपास आज रिजल्ट आया है। सबसे पहले बात करता हूँ डिविडेंड की, 1.20 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने। डिविडेंड बहुत कम देती है, ग्रोथ वाली कंपनी है। अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट में सीधे चलता हूँ प्रॉफिट की तरफ, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे ये सारी फिगर अगर आप देखोगे तो ये सारी फिगर मिलियंस में है। अब मैं इनको करोड़ों में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए आप, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये है 60 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। मैं कहूँगा 60 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 48 करोड़। तो 48 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़, 12 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है, तो भाई बढ़िया बात है। और पिछले साल कितना था, 50 करोड़ भी नहीं था, 49 करोड़, पिछले साल मार्च क्वार्टर में 49 करोड़। तो आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, मैं कहूंगा ऑसम प्रॉफिट। अब पिछले साल का अगर टोटल देखा जाए तो 144 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2017-18 में, और 2018-19 में ये हो गया 181 करोड़। तो ओवरऑल एक साल में 40 करोड़ का जंप, बेहतरीन। छोटा शेयर जरूर है लेकिन बेहतरीन स्मॉल कैप का शेयर ऐसा होना चाहिए। अगर आप देखें टोटल इनकम भी लगातार बढ़ते जा रही है, तो ये सारे साइन होते हैं कि हाँ भाई कंपनी ग्रो कर रही है, बढ़िया कमा रही है। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा पिछले क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। जून क्वार्टर 32 करोड़, 41 करोड़, 48 करोड़, और इस बार का प्रॉफिट कितना है जो आपने देखा, वो है 60 करोड़, बेहतरीन। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस शेयर की डिटेल थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे। अगर इस शेयर को आप टेक्निकली देखें तो 5 साल पहले अगर देखें 2014 के आसपास ये शेयर देखिए 13 रुपये का शेयर हुआ करता था। 13 रुपये का शेयर आज की डेट में 13×52 होता है, तो देखिए इसने ऑलमोस्ट 480 का हाई टच किया है, और फिर ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, 252 के आसपास आया था। बहुत बढ़िया मौका था एंट्री का इस करेक्शन में, दोबारा फिर एंट्री का मौका जरूर दिया, और फिर अब वापस बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। नो डाउट एक नई ट्रेंड लाइन बना दी है और उस ट्रेंड लाइन के आसपास ग्रो कर रहा है। अब मैं इस शेयर में 2-3 चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए प्राइस का ट्रेंड लाइन और नीचे देखिए RSI का ट्रेंड लाइन, बहुत ही बेहतरीन। RSI पूरा सपोर्ट कर रहा है इसको, प्राइस मूवमेंट को। और दूसरी चीज़, एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ इस शेयर में। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिवर्सल साइन दिखाना चाहता हूँ, हैमर पैटर्न। तो यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकली दिखाऊँ तो देखिए ये हैमर पैटर्न, ये काफ़ी स्ट्रांग एक रिवर्सल का साइन माना जाता है तो इसमें देखने को मिला, और बढ़िया उसके बाद रिवर्स हुआ शेयर नो डाउट। सेकंड टाइम भी इसी तरीके का हैमर पैटर्न इसने बनाया, ऑल्दो थोड़ा सा अपर शेडो जरूर था इसमें। और थर्ड टाइम पे अभी देखे ग्रीन, बिल्कुल ऑलमोस्ट हैमर पैटर्न ही है, थोड़ा सा अपर शेडो है जिससे ये आपको स्पिनिंग बॉटम दिख रहा होगा, लेकिन मैं कहूंगा बढ़िया तरीके से तीनों बार इसने ग्रो किया। और इस बार तो ये 360 के लेवल से ग्रो होकर अभी 416 पाया, और कल रिजल्ट सुन के इस शेयर में ऐसा अपर सर्किट लगेगा जो इसका 440 का ब्रेकआउट था, ये पार होके बहुत जल्द मैं कहूंगा इसका 480, 90, 500 को पार करने की कोशिश जरूर करेगा ये शेयर, नो डाउट। और अगर आप देखें यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट की पहले लाइन ये पार हुई, फिर अगली सीढ़ी पार हुई, और अब अगला क्या लेवल है, 480-500 के लेवल को पार करेगा ये शेयर। काई इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे। ओवरऑल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 76 FII,
अनिल गुप्ता जी का ये शेयर फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड की जबरदस्त होल्डिंग, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जबरदस्त होल्डिंग, इसमें बढ़िया दमदार शेयर मैं कहूँगा इसको स्मॉल कैप सेगमेंट में। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आपकी अपनी राय आशीष कचोड़िया जी के शेयर के बारे में जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।